नमस्कार दोस्त, मैं हूँ वीरा। दोस्तों, हम भगवान के लिए एक दिन में, पूरा एक दिन में कितना समय देते हैं, कितना परसेंट देते हैं, पूजा पाठ में या ध्यान में या माला जपने में कितना टाइम देते हैं? 50%, 40% या 20% या 10% या 0, कितना टाइम देते हैं? आज एक कहानी है। एक बहुत गरीब आदमी था और डेली भीख मांग के चलता था। उसका कोई परिवार नहीं था, तो गुजारा करने के लिए भीख मांग के गुजारा करता था। उसको कोई काम धंधा नहीं था। जो भी आता था, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उसको भीख में देते थे, वो उसी को खा के गुजारा करता था। एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी आया, उसको भी भीख मांगा। लेकिन वो बड़ा आदमी ने पूछा, तुमने इतना हट्टा कट्टा क्यों भीख मांग रहे हो? वो बोला, मैं काम धंधा नहीं, क्या करूँ, अगर अभी काम धंधा मुझे मिल जाए तो भीख मांगना छोड़ दूंगा। वो बड़ा आदमी बोला, ठीक है, तुमको मिल जाएगा। इतना बोला तो वो पाँव पकड़ लिया गरीब आदमी, पाँव पकड़ के बोला, आप मेरे लिए भगवान है, भगवान आपको भेजे हैं। ऐसे ऐसे बोलने लगा, रोने लगा, बोला, क्या काम बताइए, मैं अभी करूँ। बोला, काम क्या है? काम से भी ऊंचा चीज मैं तुमको दूंगा। क्या है? और पाँव पकड़ लिया वो, बोला, आप तो स्वयं भगवान हैं। ऐसे बोलने लगा वो बड़ा आदमी। क्या बोले? देखो, तुम मेरा साथ शेयर लेना है, पार्टनर करना है, बिजनेस पार्टनर। तो और हुए एक बार और पाँव पकड़ लिए, बोले, आप ही भगवान हैं, मेरे को बचाने के लिए आए हैं आप। वो क्या किए? वो बोले, देखो, तुम मेरा एक राइस मिल है, उसमें काम करके तुम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मेरे से चावल लो और लेके बाजार में बेच दो, जो प्रॉफिट होगा। वो बोला, इतना बोला तो वो गरीब आदमी जो भिखारी है, वो बोला, कितना परसेंट आपको दूंगा? 50% सर। बोला, नहीं, 50% क्या, तुम 90% रख लो, मेरे को सिर्फ 10% दो। इतना बोला तो वो फिर पाँव पकड़ लिया, बोला, मेरे को अभी काम चाहिए सर। बड़ा आदमी बोला, ठीक है। वो फैक्ट्री पे लेके गया, उसको लेके राइस मिल पे लेके राइस दिया। वो राइस लेके बेच के डेली अच्छा अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन उसका दिल में यही आ रहा था, महीना का ख़त्म होते हुए वो बड़ा आदमी आ जाएगा मुझे मांगने के लिए। लेकिन उसको क्यों दूंगा मैं, उसको बताऊंगा, इतना 10% वो क्या किया, 10% दूंगा उसको, थोड़ा बड़ा दे के एडजस्ट करूँगा। ऐसे दिमाग में सोच रहा था। एक दिन महीना ख़त्म हुए, बड़ा आदमी आके पहुँच गया, आके बोला, अभी मेरा 10% दो। लेकिन इन्होंने क्या बोला, अभी 10% क्या है, बिल्कुल मेरा पास पैसा नहीं, लॉस हो गया, जैसे भिखारी का मुँह करने लगा। बड़ा आदमी को पता चल गया। बड़ा आदमी बोला, नहीं नहीं, मुझे सब पता है, तुमका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन मेरा 10% देने में क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या बोले, गरीब आदमी, आपने किया क्या, आपको 10% दो, मैं तो मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, आपको 10% क्यों दूँ? बड़ा आदमी बाद में ताज्जुब हो गया देख के इनको, अगर हम होते तो क्या करते हैं, वही होते ना, ताज्जुब हो जाते हैं, देखो कहाँ से ला के कौन किधर पहुँचाया। वही बात है दोस्त, भगवान हमको कहाँ से लेके कहाँ पहुँचाते हैं, यहाँ दुनिया में पैदा करके पाल के हमको बड़ा कराते हैं वही। और जितना सारा बीमारी से लड़के हमको बचाने के लिए कोशिश करते हैं, और हम उनके लिए परसेंट क्या, 10% क्या, 5%, 3%, 1% नहीं टाइम निकाल पाते हैं दोस्त। सही है ना दोस्त? आपको वही रिक्वेस्ट है, आप परसेंटाइज से टाइम निकालिए। लेकिन वो गरीब आदमी का तरह भिखारी आदमी जैसे किया, ऐसे मत कीजिए, कंजूस मत होइए। बड़ापन दिखा कि
भगवान का पास टाइम दीजिए, लेकिन आपका